Hey, hello boys and girls, this is Yasa with another video, and in this video today we'll talk about tetrahedral void. Okay, तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, ये होती है 3D वॉइड। ओके, अब 3D से मतलब क्या है? इसमें तीन स्फीयर होते हैं एक प्लेन में, ओके, और जो चौथा स्फीयर होता है वो, ये अब तीनों स्फीयर को आप ले सकते हैं, सेम प्लेन बोल सकते हैं, एक ही प्लेन में है। और जो चौथा स्फीयर, सपोज मान लीजिए ये वाला स्फीयर है, ये वाला स्फीयर ले रहा हूँ, तो इसे या तो आप अबव द प्लेन रख सकते हैं या फिर बिलो द प्लेन। ओके, तो इट इज अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो ये जो आप देखेंगे, जो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, इसी को कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप डिफाइन कर सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को, टेट्राहेड्रल वॉइड इज अ वॉइड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फोर स्फीयर इन विच थ्री स्फीयर लाई इन वन प्लेन एंड द फोर्थ वन इज अबव और बिलो द थ्री स्फीयर। ओके, यू कैन बी प्लेस्ड अबव द थ्री स्फीयर और बिलो द थ्री स्फीयर। ओके, तो चलिए टेट्राहेड्रल वॉइड को एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ मीथेन का। तो आपको पता होगा मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। ओके, मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। इसका मतलब क्या, आप देखेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है, सपोज ये सराउंडिंग के एटम, और यू कैन से दे आर द सराउंडिंग स्फीयर, और जो कार्बन है वो लेता है वॉइड की जगह। ओके, और जैसे कि हमको पता है ये है कार्बन, ये है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मतलब जिसके चार हेड हो, ये एक, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये साइड वाला, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, ये पीछे वाला एक हेड, और ये हो गया चौथा वाला, ये देख रहे हैं बोथ साइड वाला, तो ये टोटल चार हो गया। चलिए अब इसे मैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ डायग्राम्स के मदद से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए हम ले लेते हैं हमारा ये वाला एग्जांपल। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रेड कलर वाले स्फीयर आप देख रहे हैं, रेड कलर वाले स्फीयर, ये रिप्रेजेंट करते हैं सपोज हाइड्रोजन। ओके, ये जैसे कि ये ऊपर वाला है, और ये और ये तीन, सपोज जैसे कि ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये भी हाइड्रोजन हो गया, और ये कार्बन हो गया। हालांकि कार्बन का साइज इतना स्मॉल नहीं होता, बट हम एग्जांपल के लिए ऐसा ले सकते हैं। ओके, लेकिन ये फिक्स है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। ओके, तो हमें जानना है इसमें टेट्राहेड्रल में, वॉइड में, कि वॉइड में कौन सा स्फीयर फिट होगा। तो सपोज हमने मान लिया कि जो स्फीयर फिट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड में, उसकी रेडियस है आर, उसकी रेडियस है आर, और आर जो है वो रेडियस है स्फीयर फॉर्मिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, तो आर वो स्फीयर है जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं, और स्मॉल आर वो रेडियस है जो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो जाएगी, वो स्फीयर की रेडियस है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें ये क्यों जानना है। ओके, कि स्मॉल आर क्या होगा, क्योंकि स्मॉल आर जानने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से साइज वाले स्फीयर टेट्राहेड्रल वॉइड में फिक्स हो जाते हैं। तो बेटर विल ट्राई टू फाइंड आउट द रेडियस रेशियो ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ये रेडियस रेशियो हमें पता करना है। जैसे ये पता चल जाएगा, हमको ये पता हो जाएगा कि जो स्फीयर वॉइड में बैठने वाले हैं उनकी रेडियस क्या होगी, क्योंकि जो स्फीयर को हम वॉइड में रखने वाले हैं उसकी रेडियस कम्प्लीटली डिपेंड करती है जो स्फीयर वॉइड को बना रहे हैं।
ओके, क्योंकि अगर जैसे कि मैं इन स्फीयर का साइज बढ़ा दूं, आपको दिखा देता हूं मैं, जैसे कि मैंने अगर इन स्फीयर्स के साइज को बढ़ा दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, सपोज मैंने ये ले लिया और ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे स्फीयर की साइज बढ़ रही है, वॉइड की भी साइज बढ़ जा रही है। तो जो वॉइड में स्फीयर रखने वाले हैं उसकी जो रेडियस है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि जो सराउंडिंग वाले स्फीयर है उनकी रेडियस क्या है, इसीलिए हमें आर अपॉन कैपिटल आर का रेडियस रेशियो जानना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं ने दूसरे डायग्राम की तरफ। तो ये है टोटल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो आप देख रहे हैं ई जो है, इट्स अ सेंटर ऑफ स्फीयर विच इज प्लेस्ड इन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मैं आपको लिख देता हूँ, ई जो है वो सेंटर है किसका, उस स्फीयर का जो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट किया गया है, जिसे हमने टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट किया गया है। और ए बी सी डी जो है ये है स्फीयर के सेंटर जो टेट्राहेड्रल वॉइड को बना रहे हैं। तो हमें जानना है कि इस स्फीयर का जो कि वॉइड बना रहा है और जो वॉइड में प्लेस्ड है उनका रेडियस रेशियो क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये टेट्राहेड्रल एंगल है, तो इसमें जो ये एंगल है, चलिए मैं इसे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। इसमें ये जो एंगल है ए ई और बी वाला, चलिए इस ट्रायंगल को ही पूरा मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल मिल गया है। आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल हमें मिल गया, ये ट्रायंगल है ए ई और ये बी। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम से हमें पता चल रहा है ये जो टोटल एंगल है ए ई बी वाला, ये है टोटल एंगल जो है ये है 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्योंकि हम जानते हैं टेट्राहेड्रल में शेप में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो ए की लेंथ है या बी की लेंथ है या सी की लेंथ है वो है आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये सारे स्फीयर जो हैं ये आपस में टच कर रहे हैं। हालांकि जो स्फीयर वॉइड में बैठेगा वो भी इन बड़े वाले स्फीयर को टच करेगा। तो अगर मैं ए की डिस्टेंस लूँ तो ये हो जाएगी कैपिटल आर ऑफ ए और स्मॉल आर ऑफ ई। ओके, जो ई वाला स्फीयर है उसकी रेडियस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। वैसे ये ई बी है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ए बी की जो लेंथ है वो देख रहे हैं आप 2 आर के में, क्योंकि ये दोनों स्फीयर आपस में टच करेंगे। यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, ए बी मतलब ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ इस पे। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, और आपको पता है ये परपेंडिकुलर ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके, और तो फिर सपोज इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ एस, इस पॉइंट को ले लिया मैंने एस, तो ए एस की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू आर। ओके, और ये जो एंगल है यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब ये जो एंगल है एस ई ए, एस ई ए ये जो एंगल है ये हो जाएगा 54 डिग्री 44 मिनट। ओके, ये एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एंगल की मदद से हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो चलिए ये एंगल हमें पता चल गया है, ये वाला जो एंगल है इट इज़ नथिंग बट 54 डिग्री 44 मिनट। ओके, तो साइन के हिसाब से हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो साइन 54 डिग्री 44 मिनट होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, जो कि है आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और जैसा कि हम जानते हैं जो साइन 54.44 की वैल्यू होती है वो होती है 0.816 के अराउंड, या 86 समथिंग लाइक 0.8 के अराउंड। और ये हो जाएगा टोटल
आर अपॉन आर प्लस आर, और इसे आप जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.225। ओके, तो ये आपकी वैल्यू हो गई रेडियस रेशियो की। ठीक है, मतलब जो रेडियस को हम वॉइड में फिट करने वाली हैं उसकी रेडियस 0.225 टाइम्स होगी जो रेडियस स्फीयर को बना रहे हैं। चलिए इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूँ। ओके, सो जो हमारा रेशियो आया है वो आया है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.225। ओके, इसका मतलब है रेडियस ऑफ स्फीयर प्लेस्ड इन वॉइड इज इक्वल टू 0.225 इंटू और टाइम्स रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर्मिंग दी वॉइड। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ओके, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई एम अपलोडिंग अ वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।